तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेबटी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण आपका एक सब्जेक्ट है। आप व्यावसायिक वातावरण का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ जानने के लिए आपको ये जानना होगा व्यावसायिक वातावरण दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है। व्यवसाय का मतलब अलग होता है, पर्यावरण का मतलब अलग होता है। आपको पता होगा कोई भी वैधानिक कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसको हम व्यवसाय बोलते हैं। व्यवसाय में कुल मिलाकर आप व्यस्त रहते हैं, तो ऐसी व्यस्तता जहां आप बिजी तो हैं, आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य धन कमाना होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। बिना धन के बिना लाभ के अगर आप व्यस्त हैं अपने किसी भी काम में तो वो व्यवसाय नहीं होगा। ठीक, तो एक परफेक्ट परिभाषा ये हुआ व्यवसाय का। पर्यावरण होता क्या है? नॉर्मली हम पर्यावरण का मतलब जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली से समझते हैं। नहीं, बिजनेस में पर्यावरण का एक अलग मतलब होता है। बिजनेस में पर्यावरण का एक अलग मतलब होता है, अपना एक अलग सिद्धांत है। देखिए, पर्यावरण मतलब उस घिरे हुए वातावरण से है जो हमारे लिए अनुकूल है। वैसे बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, किनको देख करके बिजनेस किया जाता है, ये उसके वातावरण कहलाते हैं। जैसे एक व्यवसाय करने के लिए आपको उस देश की राजनीति व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, सामाजिक जाति और उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिमांड क्या है और मार्केट की बाजार जो है वो उसकी व्यवस्था कैसी है, इन सबको देख करके ही आपको व्यापार करना होता है। तो जब व्यवसाय का संचालन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सब बातों को ध्यान रखकर किया जाता है, क्योंकि व्यापार इसी में घिरा हुआ है, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं जो राजनीति के खिलाफ है, मतलब सरकार प्रतिबंध नहीं देगा, तो क्या आप बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए मान लेते हैं राजनीति आपको आदेश दे देता है, सरकार आपके साथ है, लेकिन जनता ही इस चीज़ को उपयोग नहीं करेगी, वो उसके सामाजिक धार्मिक के खिलाफ है, तो क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो व्यापार करने के लिए अनेक घटक होते हैं, जिन घटकों को ध्यान में रख करके व्यापार किया जाता है, तो यही व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। अब जो मैंने आपको समझाया यही चीज़ें आपको पुस्तक में दी जाती है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए, बोला गया है व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों के मिल से बने हैं, व्यवसाय और पर्यावरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ को भली भांति समझने के लिए इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। व्यवसाय से आशय उन सभी आर्थिक क्रियाओं से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण किया जाता है, ताकि समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। पर्यावरण से आशय उस संपूर्ण परिवेश से है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, प्राकृतिक, नैतिक और सांस्कृतिक घटकों को मिलाकर बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक वातावरण से आशय उन परिस्थितियों एवं शक्तियों के योग से है जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय की संपूर्ण क्रिया पूर्ण कुशलता के साथ संचालित हो सके। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत उन सभी कानूनी, आर्थिक नीतियों, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता की बदली हुई प्राथमिकताएं, बदलती हुई तकनीकों आदि को शामिल किया जाता है जिसके मध्य कोई व्यवसाय जीवित रहता है। इसके लिए व्यवसाय को वही करना होता है जिसकी अनुमति उसका पर्यावरण प्रदान करे। ठीक है, तो एक लगभग कुछ सूक्ष्म शब्दों में समझाने का कोशिश किया गया है पूरा आपका ये वाला पैराग्राफ में, इस पेज में। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया है आप उसको भी ध्यान में रखिए और उसको समझ करके इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लेखक होते हैं, विद्वान होते हैं, जो किसी भी टॉपिक पर अपना भी एक विचार प्रस्तुत करते हैं। तो जब बात आई परिभाषा का, तो सभी ने इसको परिभाषित किया अपने अपने ज्ञान के आधार पर। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रिच मैन का। ठीक है, रिच मैन ने क्या लिखा है? रिच मैन ने कहा है, व्यावसायिक वातावरण दबाव एवं नियंत्रण होते हैं जो अधिकांश व्यक्तित्व फर्म या इसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। ठीक, ए एम विमर ने कहा है,
व्यावसायिक पर्यावरण में वह परिदृश्य अथवा उन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा संस्थागत दशाओं का समूह शामिल है जिनके अंतर्गत व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है। ठीक, आगे विलियम ग्लुक ने लिखा है, व्यावसायिक वातावरण में व्यावसायिक फर्म के बाह्य घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसर एवं खतरे उत्पन्न करते हैं। इनका भी बहुत सही है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं के गुप्ता की परिभाषा को। व्यावसायिक पर्यावरण किसी भी व्यावसायिक संस्था की वह बाह्य गतिशील परिस्थितियां या घटक है जिनमें रहकर उसे अपने क्रियाकलापों को संपन्न करना होता है एवं जिनसे उस संस्था की कार्यकुशलता, निष्पादन एवं निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैंने के गुप्ता की और भी परिभाषा पढ़ी हुई है आगे जा करके आपके चैप्टर्स में, तो इनकी परिभाषा बहुत सही रहती है। अगर एकदम बहुत लोगों के परिभाषा को देकर के पूछे स्पष्ट परिभाषा ज़्यादातर किसका है, तो और भी बहुत होते हैं, पर इनका परिभाषा के गुप्ता का बहुत सही रहता है। तो आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इनकी परिभाषा को आप लिखते हैं तो ज़रूरी आप मतलब पक्का आपको इसमें से जितना नंबर मिलना है बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आपके आशय को समझाने के बाद परिभाषा से जब वो परिपूर्ण होता है तो इसकी परिभाषा बहुत कम आएगी, तो आप इनकी परिभाषा को जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषता। मैंने आपको समझाया था, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी नाम का, उसका आशय परिभाषा पढ़ने के बाद हमेशा आपको विशेषता पढ़ना होता है, और उसको पढ़ने के बाद ही आपको इसके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। बाद में हम इसके गुण, दोष, लाभ, उद्देश्य इत्यादि को पढ़ते हैं, पर ये पहला आशय, फिर परिभाषा, फिर विशेषता आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पहले पॉइंट में लिखा है व्यावसायिक वातावरण की विशेषता के बारे में। व्यावसायिक पर्यावरण अनेक गतिशील घटकों का योग है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि घटकों से संबंधित होते हैं। जो परिभाषा में आपने पढ़ा वही बातों को विशेषता में लिखा है, क्योंकि ये इसकी विशेषता है कि ये इस घटकों के अंदर इससे प्रभावित होता है। ठीक है, ये इसका आधार होते हैं। अगला पढ़ते हैं, व्यवसाय को सदैव घेरे रहने वाली परिस्थितियों को व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक व्यवसाय संस्था को व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करने में अनेक अनिश्चितता एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यावसायिक संस्था इन अनिश्चितताओं एवं बाधाओं को पार कर लेती है और उपयुक्त अवसरों को खोज कर लेती है वह सफल हो जाती है। तो परिभाषा नंबर दो, ये भी विशेषता नंबर दो, ये भी बहुत सही है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इसका जो लास्ट पॉइंट है तीसरे नंबर का, ये घटक सदैव परिवर्तित होते हैं, इसी से आपको याद रख लेना है। कौन से घटक परिवर्तित होते हैं? तो देखिए, किसी भी देश की सरकार जो होती है वो 5 साल में बदल जाती है। ठीक है, लोगों की जो भी मांग होती है, डिमांड होती है, वो समय के साथ बदल जाती है। उनकी इनकम में बहुत परिवर्तन आता है, जनसंख्या में बहुत परिवर्तन आता है। तो देखिए, तीसरा पढ़ता हूँ, व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, जनसंख्यिकी आदि होते हैं। ये घटक सदैव परिवर्तित होते हैं। तो मैंने जो बताया था, ये घटक परिवर्तित होते हैं, ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ठीक, चौथा, व्यावसायिक पर्यावरण के घटक भौतिक एवं जटिल होते हैं। इनका व्यवसाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, अतः प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को लगातार पर्यावरण के संपर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। पर्यावरण का मतलब अभी भी आपको क्लियर होना चाहिए, व्यावसायिक घटक से है। ठीक है, तो उनमें बहुत परिवर्तन होते रहते हैं जो कि आपके भविष्य में बहुत नुकसान हो सकता है आपके बिजनेस को, तो इनसे अपडेट रहना, जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है सामाजिक, राजनीतिक ढांचा में, उसको ध्यान में रख करके आप अपने व्यापार में परिवर्तन कर सकें। पाँचवा पॉइंट है, बाह्य पर्यावरण घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, किंतु ये घटक व्यवसायिक निर्णय को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बाह्य पर्यावरण घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। देखिए, व्यवसाय में ही कोई दूसरा व्यवसाय कोई भी रणनीति लागू करके अपना व्यापार कर सकता है, जो कि आपके थॉट, आपके विचार से बिल्कुल अलग होंगे, जिसका आपने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। हर समस्या से लड़ने के लिए आप कुछ ना कुछ योजना बना करके रखते हैं। ठीक है,
तो ये जो समस्याएं हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक तो आपके कंट्रोल में होता है पर बाह्य बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है पांचवा नंबर के पॉइंट में। ठीक, तो कुछ देखिए, जैसे कि जियो सिम जब भारत में लॉन्च हुआ तो बाकी कई कंपनियां बंद हो गई। अब वीआई और वोडाफोन ये दोनों मिल करके टिके हुए हैं, अकेले तो ये लोग दोनों नहीं टिक पाते। ठीक है, तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो नॉर्मल अपने हिसाब से बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन जब कोई नया आता है किसी नई तकनीक के साथ, सूझबूझ के साथ, मूल्य नीति के साथ, तो आपका व्यवसाय पूरा का पूरा ठप हो सकता है, बंद भी हो सकता है, बहुत प्रभावित हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बाह्य वातावरण, जिसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जियो एयरटेल अच्छे से चल रहा था, वीआई चल रहा था, मतलब आइडिया चल रहा था, वोडाफोन चल रहा था। ठीक है, इनकी जैसी नीति थी लोग चला रहे थे, लेकिन उस एक जियो के कारण इन सब की नीति में परिवर्तन इनको करना पड़ा। इनके में पहले बैलेंस अलग था, SMS अलग था, सब अलग था, लेकिन जियो ने जब सबको एक साथ दिया तो इनको इनको भी देना पड़ा। तो ये होता है बाह्य वातावरण जो दूसरे से प्रभावित हो जाता है। ठीक, छठवां पॉइंट, व्यवसायिक पर्यावरण का विश्लेषण करना किसी व्यवसाय के विविधीकरण एवं उन्नयन हेतु आवश्यक है। व्यवसायिक पर्यावरण का विश्लेषण करना किसी व्यवसाय के विविधीकरण एवं उन्नयन हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो विश्लेषण करना मतलब होता है जांचना, देखना, परखना, उस पर कुछ निष्कर्ष निकालना, और यह प्रत्येक व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है अगर आप आगे उन्नति करना चाहते हैं। तो सातवां पॉइंट है हमारा, व्यवसायिक निर्णय पर व्यवसायिक पर्यावरण को सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यवसाय के लिए आप जो भी निर्णय लेते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उसका प्रभाव व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो हमेशा जो निर्णय होते हैं वो समस्त ढांचाओं को ध्यान में रखकर के होना चाहिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, समस्त घटकों को। ठीक, आठवा, व्यवसायिक पर्यावरण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन रहता है। इनका व्यवसायिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये क्रियाएं बस एक दो महीने, एक साल के लिए नहीं होती, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होता है। और इसमें आप लगातार कैसे चल सकते हैं, किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ सकता है, क्या जोखिम हो सकते हैं, इनमें सभी के सभी चीज़ों को बताया जाता है। तो ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक, नौवां, किसी राष्ट्र के व्यावसायिक पर्यावरण के निर्माण में उस राष्ट्र द्वारा अपनाए गए आर्थिक प्रणाली का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी देश में अगर आप व्यापार करते हैं तो उस राष्ट्र की आर्थिक नीति कैसी है, ये सीधा 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 व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उनकी आर्थिक नीति कैसी है, उन पर GST कैसा है, उन वहाँ का मूल्य कैसा है, जैसे कि हमारे यहाँ 75 रुपये अमेरिका में $1 होते हैं, तो हर जगह मूल्य नीति अलग अलग है। यही इसके अलावा अगर आप वियतनाम में देखें तो हमारा 1 रुपये वहाँ 144 रुपये हो जाता है उनके पैसे के अनुसार। ठीक है, तो हर देश की आर्थिक नीति मूल्य निर्धारण क्षमता अलग अलग होती है, GST की दरें अलग होती हैं। तो ये नौवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दसवां पढ़ते हैं, व्यवसायिक पर्यावरण व्यक्ति एवं समिष्ट होता है, व्यक्ति एवं समिष्ट होता है। ठीक है, तो दसवां पॉइंट सबसे छोटा है। तो इस तरह से आपके 1 से लेकर 10 तक विशेषताएं समाप्त होती हैं। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो याद भी कर लीजिए ताकि बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक,